हाय दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो आज़ादी के बाद भारत का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। समय के साथ साथ दुनिया के सामने भारत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश बनकर उभरा है। भारत ने आज़ादी के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाकर दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जिसका ओहदा सबसे ऊंचा होता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का पद देश के ऊंचे पदों में से एक है। देश की जनता सांसद को चुनकर संसद में भेजती है और सांसद मिलकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम को तय करते हैं। आज हम वीडियो में राष्ट्रपति से लेकर सांसद तक की मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। सुविधाएं और सैलरी के क्रम में सबसे पहला नाम राष्ट्रपति का आता है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के प्रदेश के सदस्य शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का भवन दुनिया का सबसे बड़ा भवन है। अगर राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की बात की जाए तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक प्राप्त होते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। राष्ट्रपति को पूरे जीवन फ्री इलाज आवास की सुविधा मिलती है। इन्हें रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं और स्टाफ के लिए 60,000 रुपए मासिक मिलते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उन्हें उपराष्ट्रपति के पद की सैलरी नहीं मिलती है। इन्हें राज्यसभा के सभापति होने के कारण सैलरी और सुविधाएं मिलती। इन्हें 4 लाख रुपए मासिक व रहने के लिए बंगला, इलाज, ट्रेन और हवाई सफर की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में इन्हें मिलते हैं। आगे प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल होता है। यह सदन का नेता होता है। इन्हें 1,66,000 रुपए लगभग सैलरी मिलती है। इनका बेसिक पे 50,000 रुपए होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो इन्हें 3,000 रुपए व्यय भत्ता मिलता है, 45,000 रुपए सांसद भत्ता मिलता है और 2,000 रुपए के हिसाब से रोजाना भत्ता भी इनको मिलता है, जो हर माह 61,000 रुपए तक हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद आवास, 5 साल के लिए ट्रेन सेवा, SPG सुरक्षा और 6,000 रुपए ऑफिस खर्चा इनको मिलता है। इन्हें निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इनके साथ साथ फ्री मेडिकल की सुविधाएं भी इन्हें प्राप्त होती हैं। अन्य सांसद की अगर बात की जाए तो सांसदों को जनता चुनकर भेजती है, ऐसे में हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। वहीं सांसदों की सैलरी दैनिक भत्ते के रूप में 5 साल बाद बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही सांसदों को 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग भत्ता भी मिलता है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपए प्रतिमाह इन्हें प्राप्त होता है। वह ऑफिस कार्य के लिए 60,000 रुपए मासिक प्राप्त होता है। वह ट्रेन व मेडिकल सुविधा इनके लिए फ्री होती है। इतना सब जानकर आपके मन में भी एक जानकारी निकल के सामने आ रही होगी कि आज़ादी के समय सैलरी क्या थी, तब से अब तक कब कब इसमें परिवर्तन हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1947 के बाद भारत में बहुत गरीबी थी, तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ादी के बाद सांसदों का वेतन 400 रुपये था। 1964 में यह 500 रुपये हो गया, 1983 में 750 रुपये हो गया, 1985 में 1,000 रुपये हो गया, 1988 में 1,500 रुपये हो गया, 1998 में 4,000 रुपये हो गया और 2001 में 12,000 रुपये हो गया और 2006 में 16,000 रुपये हो गया, जबकि 2009 में 50,000 रुपये हो गया और अंत में 2018 में सबसे ज़्यादा वेतन 1 लाख रुपये कर दिया गया। मिलने वाले अन्य भत्ते, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होता है, जबकि ये भत्ता संसद सत्र के दौरान इनको प्राप्त होता है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता इनको 70,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। कार्यालय भत्ता 60,000 रुपये प्रति माह इन्हें प्राप्त होता है। यदि यात्रा भत्ता की बात करें तो ट्रेन AC फर्स्ट क्लास में और हवाई यात्रा के दौरान इन्हें 25% ही देना पड़ता है। बिजली फ्री होती है, पानी फ्री होती है, फोन फ्री होता है। पेंशन के रूप में 25,000 रुपये प्रतिमाह इन्हें दिया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 1,500 रुपये की वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर व्यक्त करें। वह आपके किसी भी विषय की जानकारी लेनी हो तो कमेंट में लिखें। अगली वीडियो में आपकी जानकारी के साथ हाजिर होंगे। और अंत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।